सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक ऑन योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अक्षया एडुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ निर जयपुर माई सेल्फ हेमंत गजेंद्र सिंह एंड आई एम योर बायोलॉजी मैंटोर ऑन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड इन दिस वीडियो टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर द थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास एलेवेंथ एन सी आर टी एंड दैट इज मैंशनड ऑन द स्क्रीन यू कैन से हियर प्लांट किंगडम ये प्लांट किंगडम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एज पर द इंफॉर्मेशन आप जानते हैं ये भी यहाँ पे प्लांट डाइवर्सिटी में ही इंक्लूडेड होते हैं तो आज का जो लेक्चर है इट इज अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इट इज अबाउट द प्लांट किंगडम हम प्लांट किंगडम के बारे में इसमें जो भी प्लांट्स आते हैं उसके हैबिट उसके बिहेवियर उसके हैबिटेट और ऑल द अदर एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं देखिए अगर हम यहां पे प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो जो भी प्लांट्स है उसको कितने डिवीजन में यहां पे डिवाइड करके स्टडी करना है इसमें कौन कौन से टॉपिक को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं तो इस प्लांट किंगडम के चैप्टर में जो हमें यहां पे जो डिस्कस करना है फर्स्ट देखिए फर्स्ट प्लांट किंगडम इसके रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मैंने आपको प्लांटी किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कहा था कि जो भी मेंबर से रिलेटेड हैं और प्लांटी में आते हैं वो कैसे होते हैं वहीं पर ही हमने डिस्कस किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कि वो मल्टी सेलर होते हैं साथ साथ आप कहेंगे वो कैसे होंगे ये होते हैं तो मल्टी सेल्यूलर एंड यू प्लांट जो है उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया है ठीक है ना किंगडम प्लांटी में वो सभी तरह के प्लांट जो कि मल्टी सेलर हैं यू हैं उनको रखा जाता है साथ साथ अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं बच्चों तो आप ये बोलेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस फोटो सिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हैं इसलिए ये प्लांटी किंगडम में आने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं उसे आप क्या बोलेंगे ऑटो बोलेंगे ऑटो रिप्रेजेंट सेल्फ एंड ट्रॉफिक रिप्रेजेंट द नरिशमेंट जो अपना नरिशमेंट जो है वो खुद कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दे मैन्युफैक्चर देयर फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपने फूड मटेरियल को क्या कर सकते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है प्लांट किंगडम के बारे में अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस चैप्टर को हमें लीड कैसे करना है डील कैसे करना है देखिए यहां पर हमें कुछ तरह के ग्रुप्स या फिर डिवीजन के बारे में डिस्कस करना है कि प्लांट किंगडम जो है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड करके हमें इस चैप्टर को पढ़ना होता है तो आप कहेंगे फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम और किंगडम प्लांटी फर्स्ट जो ग्रुप होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें तो ये यह है यहां पे एल की नेक्स्ट जो ग्रुप है हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रायोफाइट उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट के बारे में और उसके बाद हम जिम्नोस्पम और लास्ट टॉपिक विल बी अबाउट द एनजियो फाइव ग्रुप्स को हमें यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करना है एल्गी थेलोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा फाइटा एंड एनजीओ के बारे में हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है इट इज अबाउट द एल्गी हम यहाँ पे एल्गी से स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को देखिए अगर हम प्लांट किंगडम में फर्स्ट ग्रुप की बात करें इसे हम एलगी बोल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एक इसके हैबिटेट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि इसका हैबिटेट प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है एलगी कहाँ पाए जाते हैं तो आप कहेंगे फाउंड इन द फ्रेश ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं ये मेराइन वाटर में मतलब मेराइन का मतलब होता है सी वाटर ठीक है सी वाटर में भी मिल सकते हैं और ये ब्रेकिस वाटर में भी मिल सकते हैं तो ये इसका हैबिटेट हो गया हैबिटेट के बेसिस पे ये सभी तरह के वाटर में प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं तो आप कहेंगे ये फ्रेश मेराइन और ब्रेकिश वाटर में प्रेजेंट हो गया ये हैबिटेट वाला पॉइंट हो गया इसका ये जो यहाँ पर बॉडी होता है वो बॉडी थैलस जैसा होता है कैसा होता है तो आप कहेंगे ये बॉडी इसका थैलस जैसा होता है थैलस लाइक होता है तो इस तरह की बॉडी को हम कहते हैं थैलोइड बॉडी एक थैलोइड बॉडी उसे हम कंसिडर करते हैं मान लीजिए कोई भी प्लांट है उस प्लांट को देख करके आ, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस पार्ट को जो है रूट बोला जाए किस पार्ट को स्टेम बोला जाए और किसको को यहां पर लीव कहा जाए मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट स्टेम और लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो वो सभी जो है वो थैलस बॉडी रखते हैं और थैलोइड होते हैं तो एल्गी भी यहाँ पे थैलोइड बॉडी वाले स्पीसीज होते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इसमें यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट होता है शीट प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे म्यूसिलिजिनस कंटेंट होते हैं म्यूसिल

तो उसका जो सेलवॉल है वो किस किस से बना होता है वॉल का कंपोनेंट है आप कहेंगे सेलुलोज आप कहेंगे यहाँ पे गैलेक्टेन से मिलकर बना हुआ होता है मेनन्स होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेलवॉल इन केस ऑफ एलगी एलगी का सेल वॉल किस किस से बना हुआ है सेलोज से बना है गैलेक्टेन से मिलकर बना है मेनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए सेलवॉल एलगी में यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इनमें टिशू क्या होता है अपसेंट होते हैं टिश्यूज यहाँ पर क्या होंगे अपसेंट होंगे ये कैसे होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं एलगी कैसे होंगे फोटो होते हैं दे कैन सिंथिसाइज देयर ऑन फूड बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करते हैं जिसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई भी कर दिया जाता है एलगी को वो होता है इनमें पाए जाने वाले फोटो सिंथेटिक पिगमेंट अगर हम यहाँ पे एल में पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं बच्चों तो आप ये पढ़ते हैं कि भाई ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को भी हम टू कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है इसे हम कहते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक होता है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ऑलवेज हम क्लोरोफिल की बात करते हैं और उसके अलावा जो भी पिगमेंट्स होते हैं उसे हम एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंसिडर करते हैं जो मेन को असिस्ट करता है उसके फंक्शंस में हेल्प करता है तो

यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए है और कैरोटीन बी है ये यहाँ पर यूनिवर्सल पिगमेंट मानते हैं मतलब ये तो सभी तरह के एल्गी में क्या होगा प्रेजेंट होगा सभी तरह के एल्गी में यहाँ पर क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होगा ही तो क्लोरोफिल ए जो है उसको यूनिवर्सल पिगमेंट बोल दिया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए बिल्कुल बेसिक से पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अगर एलगी में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करते हैं उसे कह दिया जाता है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के यहाँ पे थ्री मेथड्स हैं रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ए एंड थर्ड यहाँ पे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन

यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं टू डॉटो सेल्स को यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट मेथड है उसे हम कह रहे हैं बाइनरी फिजन और बाइनरी फिजन टाइप का जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है सेलुलर एल्गी में किसमें पाया जाता है जो भी यहाँ पे सेलुलर एलगी होते हैं उसमें बाइनरी फ्यूचर देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाता है इस तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड से एल्गी में तो आप कहेंगे सभी तरह के जो फिलामेंटस एल्गी होते हैं बच्चों सभी तरह के ऑल द टाइप्स ऑफ फिलामेंटस एल्गी को हम कहते हैं कि उसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड होता है उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं जिस जिसमें हम कहेंगे कि ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन के मैंने एग्जाम्पल बताएं यूनी सेलोअर एलगी में बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन सभी तरह के फिलामेंटस एलगी में होता है हालांकि वेजिटेटिव के अलावा ए सेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड भी होता है रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं अबाउट ए सेक्सुअल रिपोडक्शन के बारे में देखिए, के बारे में मैंने आपको बेसिक पॉइंट जो है या जब हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर पढ़ा था तो लिविंग वर्ल्ड में भी आपको मैंशन किया था टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में एंडोस्पोर एक्सोस्पोर के बारे में डिस्कस किया था तो देखिए, यहां पे फर्स्ट पॉइंट क्या है अगर हम ए के बारे में अगर बात करते हैं, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होता है यहां पे स्पोर और ऐसे स्पोर को हम यहां पे जू स्पोर बोलेंगे जू स्पोर यहां पे जू क्या है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जहां पर भी जू होता है मतलब अब ये स्पोर जो है वो किस नेचर के होंगे तो आप कहेंगे ये मोटाइल नेचर के होंगे मोटाइल है तो इसमें कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तो आप कहेंगे इसमें लाइक -like जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है बच्चों आप कहेंगे इसमें प्रेजेंट होता है तो फ्लेजिला -like अगर होता है तो है बट किस कंडीशन में होता है जब एलगी के लिए वो कंडीशन फेवरेबल हो किसी भी तरह की एडवर्स कंडीशन की बात ना करें वो एलगी के लिए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए अगर फेवरेबल कंडीशन है तो एलगी जो है में जू स्पोर से एसेक्सुअली ड्यूस होंगे अब देखिए अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे गिवन है कि अगर उसके लिए एलगी के लिए जो कंडीशन हैं वो फेवरेबल ना हो अगर कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होता है उसके अकॉर्डिंगली नहीं होता है तो उस केस में ये जू स्पोर से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में ये कुछ स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली उसे हम कहते हैं एप्लेनोसपोर उसे हम कहेंगे हिप्नोस्पोर और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं एकाइनेट्स तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में हेल्प करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एलगी इस डायग्राम को देखिए इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है इस डायग्राम में मेंशन किया हुआ है कि क्लेमाइडोमोनास एक एलगी है और क्लेमाइडोमोनास हमेशा फेवरेबल कंडीशन में जिस स्ट्रक्चर से रिप्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं जूसपोर तो इस स्ट्रक्चर में जूस ऑफ़ क्लेमाइडोमोनास के बारे में, में मेंशन किया हुआ है देखिए ये क्ले माइडोमोनास की कोई भी यहाँ पे प्लांट बॉडी है मतलब मेन बॉडी मैंने कंसीडर कर लिया है अब इसमें जो स्पोर है इस स्पोर को हमने कह दिया जू स्पोर अब जू स्पोर से रिप्रोड्यूस हो करके ये क्या बनाएंगे ये न्यू यंग का फॉर्मेशन कर लेंगे मतलब यहां पर क्या बन जाएगा न्यू क्लेमाइडोमोनास का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑफ स्प्रिंग बन जाएंगे तो ये मैंने आपको ए सेक्सुअल रिपोडक्शन के बारे में बताया नेक्स्ट अब हम यहां पे डिस्कस करते हैं अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ना है देखिए यहां पर एलगी में जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको यह जानना बहुत इसेंशियल है कि इनके सेक्स ऑर्गन को क्या क्या कहा जाता है मतलब मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे तो देखिए आप मेल सेक्स ऑर्गन को इन केस ऑफ एलगी क्या बोलेंगे आप कह देंगे इसको एंथी या इसको बोल देंगे एंथीरिडियम क्या बोलेंगे आप इसे एंथी भी बोल सकते हैं और एंथीरिडियम भी बोल सकते हैं ठीक है ना तो एंथीरिडियम कह दिया या फिर Antiridia बोल दिया। अब देखिए, अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसे कह दिया है एंथीरिडियम लेकिन अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल को कहा जाता है उगोनिया या उगोनियम कह देते हैं तो ये इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो किस नेचर के होते हैं तो आप कहेंगे ये होते हैं यहां पर सेलुलर और ये होते हैं यहां पे जैकेट लेस जैकेट जो है अगर मान लीजिए ये कोई सेक्स ऑर्गन है और इसके बाहर इसके सराउंडिंग में इस तरह से स्ट्रक्चर है जिसे हम जैकेट कहते हैं तो ये सेक्स ऑर्गन को क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बट एलगी के केस में सेक्स ऑर्गन के सराउंडिंग में इस तरह की जैकेट लाइक कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है तो इसके जो सेक्स ऑर्गन है वो जैकेट लेस होते हैं और कैसे होते हैं लुलर होते हैं यहाँ पे टू डायग्राम के बारे में मेंशन किया हुआ है फर्स्ट डायग्राम एलगी में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसे हम उगोनिया या उगोनियम बोल देते हैं इसका है तो देखिए ये बेसिकली यहाँ पे उगोनिया है जिसमें यहाँ पे गैमिट प्रेजेंट है जिसे हमने कह दिया एक बोल दिया ठीक है ना लेकिन ये अगर उगोनियम जो है यहाँ पे बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन है एलगी में तो एलगी के फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने अभी आपको कहा था कि वो कैसे होते हैं यूनिसेलर और जैकेट लेस होते हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि एलगी में जो उगोनिया है वो यूनिसेलर है और जैकेट लेस है क्योंकि देखिए इसके सराउंडिंग में कोई भी कवरिंग प्रेजेंट नहीं है है ना यहाँ पे जैकेट नहीं होता है यहाँ पे देखिए इसी को कंपेयर करने के लिए एक और डायग्राम प्रोवाइडेड है एलगी के बाद यहाँ पे अगर हम स्पेशली किस ग्रुप की बात करते हैं प्लांट किंगडम में आने वाले अगर हम ब्रायोफाइटा डिवीजन की बात करते हैं तो देखिए ब्रायोफाइटा का जो यहाँ पे अगर हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सपोज हमने यहाँ पे आर्चिगोनियम कह दिया तो ये जो आर्चिगोनियम है इसमें आप देख रहे हैं कि सपोज यहां पर ये यह जो स्ट्रक्चर है इसे हमने कह दिया ये एग है बट अगर ये सेक्स ऑर्गन है तो इसके बाहर इस तरीके की यहां पे कुछ एक फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं जैकेट बनाते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एलगी में जैकेटलेस कंडीशन होती है सेक्स ऑर्गन में और ब्रायोफाइटा में जैकेटलेस नहीं यहां पर जैकेट प्रेजेंट होते हैं तो इनके सेक्स ऑर्गन के बारे में आप कहेंगे ये जैकेटेड होते हैं अब ये यह यहां पे यूनिसेलर नहीं होते है. इसके

कारा यहां पे एलगी है बट एक्सेप्शनली ये कुछ एक डिफरेंट करेक्टर को शो करते हैं बाकी कारा के अलावा जो भी एलगी में आते हैं जो एल्गी होते हैं यो यूनिसेलर और जैकेट लेस थे बट कारा एक ऐसा सिंगल स्पीसीज है जिनके जो सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं तो मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं तो आप कहेंगे वो जैकेटेड होते हैं ठीक है ना तो ये एक्सेप्शन हो गया अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगर ये कारा के डायग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस करें तो कारा का डायग्राम इस तरह से यहाँ पे प्रोवाइडेड है देखिए कारा के डायग्राम में यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल यहां पे क्या है मेन एक्सिस है ये इसका क्या हो गया मेन एक्सिस और मेन एक्सिस में क्या दिखाई देते हैं इस तरह की कुछ एक ब्रांचेस हमें दिखाई देती है ठीक है ना अब देखिए अगर ब्रांचेस को हम अगर थ्री डी मैनर में इस तरह से जूम करके देखें तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ये हम बात कर रहे हैं कारा जिसके सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो जैकेटेड है और मल्टी सेलुलर है तो ये तो इसका एक टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बाहर से जो तो दिखाई देता है वो है अगर स्पेसिफिकली अगर हम इसके ब्रांचेज की बात करें तो ब्रांचेज में देखिए ब्रांचेज में यहाँ पर इस वाले ब्रांच पर इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बताया हुआ है ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका उगोनियम है मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रांचेस में प्रेजेंट होते हैं इसे हम यहाँ पे एंथीडिया और एंथीरिडियम बोल देते हैं जो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है अब देखिए ये जैकेटेड तो है मल्टी सेलर तो है लेकिन एक टर्म इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है कारा के केस में फीमेल सेक्स ऑर्गन उम को आप क्या कह देंगे इसको न्यूक्यूल क्या बोलेंगे आप इसे न्यूक्यूल ठीक है ना और ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल किसे कहते हैं पे कारा के जो मेल सेक्स सेक्सन होता है एंथ्रीडियम उसके लिए टर्म प्रोवाइड किया जाता है तो ब्रांचेस को इस तरह से हमने देखा लेकिन देखिए यहां पे पॉइंट्स क्या गिवन है वही पॉइंट जो कि उस डायग्राम में गिवन है कि भाई उगोनियम को हमने क्या बोला उगोनियम क्या है उगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको हमने कहा न्यूक्यूल

अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ पे और एस्पेक्ट डिस्कस करना है एलगी के बारे में इट इज अबाउट द लाइफ साइकिल अब हम यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करते हैं किसी भी एलगी के लाइफ साइकिल के बारे में हमें क्या क्या डिस्कस करना होता है तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ से क्वेश्चंस अराइज होते हैं लाइफ साइकिल से कि जनरली एलगी जो होते हैं वो क्या है, है होते हैं कैसे होते हैं है होते हैं जिसे हम सिंगल से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप कह रहे हैं जनरली जो एलगी नेचर के होते हैं और ऐसे लाइफ साइकिल जिसमें नेचर का बता रहे हैं तो वो जो लाइफ साइकिल शो करते हैं उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं मान लीजिए अगर यहाँ पे डेप्लॉइड होगा तो उस लाइफ साइकिल को हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते बट जनरली यहां पर एलगी तो हैप्लॉइड है वो जिस मियोसिस के प्रोसेस को शो करते हैं उसे हम जायगोटिक मियोसिस कहते हैं और इसके लाइफ साइकिल को यहां पे क्या कहते हैं हेपलॉन्टिक लाइफ साइकिल नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्शन बट यहां पे सभी तरह के एल्गी के लिए यह बात सही नहीं है क्यों क्योंकि ये टर्म आया था जनरली यहां पे जनरली हमने यूज किया है इसका मतलब यहां पे कुछ एक एक्सेप्शन होगा एक्सेप्शन में हम जिस कैटेगरी की बात करते हैं वो है ब्राउन एलगी फियोफाइसी ब्राउन एलगी में हम एक्सेप्शनल ये कहते हैं कि इसमें हैप्लॉयड कंडीशन देखने को नहीं मिलता है इसमें डिप्लोइड कंडीशन देखने को मिलता है इसे हम टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं अब यहाँ पे हेप्लॉयड में जायगोटिक म्योसिस हो रहा था लेकिन यहां पर कोटिक मियोसिस नहीं होता है यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होता है ठीक है ना तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या गिवन है अगर हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की बात करें तो उसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए जो भी गैमेट्स होते हैं वो गैमेट ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी किस तरह से वेरिएशन को शो करते हैं उस बेसिस पे हमें यहाँ पे थ्री टर्म प्रोवाइडेड है एक जो यहाँ पे टर्म प्रोवाइडेड है बच्चों ये है आइसो या आइसो एक टर्म प्रोवाइडेड है एन आइसो और एक टर्म प्रोवाइडेड है इसे हम कह रहे हैं यहाँ पे ओ या ओ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखिए अगर हम यहाँ पे इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो पहले मैं आपको ये समझा दूं कि आइसोगेमस एनआई गेमस और ओ गेमस का मीनिंग क्या होता है उसके बाद हम इसमें आने वाले एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो एलगी हैं वो आई गेमस कैटेगरी में आते हैं कौन से एन होते हैं और कौन से ओ गेमस होते हैं देखिए पहले इसको समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि हमेशा गैमिट के बीच में क्या होता है फ्यूजन होता है टू गैमिट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमिट इन्वॉल्व हो रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं गैमिट्स की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होने वाले और पार्टिसिपेट होने वाले गैमिट अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मॉरफोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ मॉरफोलॉजी एंड एज वेल एज फिजियोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी अगर ये दोनों ही इस्पेक्ट में अगर ये गैमिट कैसे हों तो आप कह रहे हैं अगर ये दोनों ही इस्पेक्ट में ये जो गैमिट है वो कैसे दिखाई देते हैं अगर दोनों इस्पेक्ट में ये गैमिट पार्टिसिपेट करने वाले जो होते हैं अगर हम इसके बारे में पॉइंट प्रोवाइड करें कि और फिजियोलॉजी well दोनों ही एस्पेक्ट में ये क्या होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं ठीक है ना बिल्कुल सिमिलर होते हैं मतलब एक जैसे दिखाई देते हैं तो हमने कह दिया आइडेंटिकल हो या फिर क्या हो बताइए सिमिलर हो तो इस कंडीशन में हम इसे क्या कहते हैं इस कंडीशन को हम यहाँ पे आइसोगेमस बोल देंगे एक बार और समझने की कोशिश करते हैं जहां भी आइसो टर्म आता है उसका मीनिंग होता है सिमिलर मतलब जो एक जैसे होते हैं तो इसमें जो भी गैमिट पार्टिसिपेट करते हैं आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मॉर्फोलॉजिकली भी इक्वल होते हैं और फिजियोलॉजिकली भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं अगर हम इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे सपोज ये यहां पे मेल गैमिट है ठीक है ये कुछ ऐसे दिखाई देते हैं तो फीमेल गैमिट भी ऐसे ही दिखाई देंगे मतलब इनकी मॉर्फोलॉजी भी क्या होगी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम होगी और फिजियोलॉजी भी सेम होगी अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जैसे हम कहते हैं एन आइसोगेमस एन आइसोगेमस के बारे में क्या कहते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट होने वाले जो भी गैमिट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे इसमें पार्टिसिपेट होने वाले जो भी गैमिट्स होते हैं इसकी जो मॉर्फो है मॉर्फो तो क्या हो बताइए इक्वल हो मॉर्फो क्या हो इक्वल हो राइट right? बट अगर हम इसकी किसकी बात करते हैं फिजियोलॉजी की बात करते हैं वो इक्वल नहीं होता है तो इस तरह के गैमिट जो है यहाँ पे क्या कहलाते हैं या इस तरह के सेक्सुअल इपोडक्शन को एन आई एसओ कहते हैं एन आई का मीनिंग ही होता है कि यहाँ पे हम आइडेंटिकल वाले पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे कुछ एक वेरिएशन होगा अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट सबसे एडवांस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू टर्म एज अ अमस कंडीशन अब देखिए इसमें क्या होगा इसमें आप कहेंगे कि इस प्रोसेस में इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले गैमिट कि यहाँ पे फिजियोलॉजी भी क्या होती है अलग अलग होती है मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया है कि फिजियोलॉजी भी यहाँ पर क्या है अलग अलग है और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि अगर इसकी मॉर्फोलॉजी भी क्या है बिल्कुल अलग अलग है मतलब इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सपोज यहाँ पे ये यह कोई गैमिट है और इसे हमने कह दिया फीमेल गैमेट और इसे हमने इस तरह से क्या कर दिया है ये मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर दिया है तो इनकी यहाँ पे मॉर्फोलॉजी भी अलग होती है फिजियोलॉजी भी अलग होती है और इस तरह के गैमेट जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी मॉर्फोलॉजी भी अलग है फिजियोलॉजी भी डिफर है उसे आप ओ गेमस कहेंगे और ओ गेमस टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इन तीनों ही टर्म्स को समझ लेने के बाद अब हम सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं कि कौन कौन से एलगी यहाँ पे आयसो गेमस कैटेगरी में आते हैं आइसो गेमी कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट क्ले माइडोमोनास क्या दिया हुआ है अबाउट क्ले माइडोमोनास बट क्ले माइडोमोनास की भी अलग अलग स्पीसीज होती है अगर हम क्ले माइडोमोनास में एक स्पीसीज की बात करें इसे कह दिया जाता है क्ले माइडोमोनास डी बेरियम तो ये जो माइडोमोनास डी बेरियम होता है ये यहाँ पर आइसोगेमस कैटेगरी में इंक्लूडेड होते हैं अगर हम यहाँ पे क्लेडोफोरा यूलोथ्रिक्स एक्टोकार्पस और स्पाइरोगायरा टाइप के अगर एलगी की बात करें तो आप कहेंगे ये आइसोगेमस में आते हैं लेकिन देखिए क्ले माइडोमोनास की एक और स्पीसीज जैसे हम कहते हैं क्ले माइडोमोनास ब्राउनी देखिए अगर डीबेरियम की बात करें तो वो आइसोगेमस है लेकिन क्ले माइडोमोनास ब्राउनी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये यह एन आइसोगेमस कैटेगरी में आएंगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ये दिया हुआ है यू डोरीना डौर, यू डोरिना जो एल्गी है उसमें भी यहाँ पे एन आईसू कंडीशन देखने को मिलता है क्ले माइडोमोनास की एक और स्पीसीज जिसे यहाँ पे कहते हैं कॉकीफेरा क्ले माइडोमोनास कॉकीफेरा में सबसे यहाँ पे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलता है इसे आप यहाँ पे कहते हैं ओ गेमस में और कौन कौन से यहाँ पे एलगी यहाँ पे मेंशन करते हैं सरगासम की बात करेंगे वॉलवॉक्स की बात करते हैं फ्यूकस की बात करते हैं और कारा जिसका डायग्राम हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था उनमें भी यहाँ पर उ गेम्स टाइप का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और इसके लाइफ साइकिल में सबसे नोटिसेबल थिंग ये है कि अगर हम जनरली एलगी की बात करते हैं तो वो हैप्लोइड होते हैं वो यहाँ पे जायगोटिक म्यूसिस शो करते हैं और उनके लाइफ साइकिल को कह दिया जाता है यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लेकिन कुछ एक एलगी जैसे हम स्पेशली ब्राउन एलगी फ्योफाइसी क्लासी क्ला, क्लासीफिकेशन की बात करते हैं क्लास की बात करते हैं तो अब वो हैप्लोइड ना होकर के डिप्लोइड थे और उसमें होने वाला जो म्यूसिस है वो जयगोटिक ना होकर के अब ये गेमेटिक होते हैं और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने यहाँ पे थ्री मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उन सभी मोड में आने वाले सभी एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन आ गया कि वॉलवर्क्स और फ्यूकस वॉलवर्क्स और फ्यूकस में सेक्सुअली प्रोडक्शन किस मेथड से होता है किस टाइप का होता है तो आपके ऑप्शन में मिलेगा ओ गेमी और ओ गेमस टाइप वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो एग्जाम्पल प्रोवाइड करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पूछा जा सकता है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या गिवन है नेक्स्ट पॉइंट अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया था आइसोगेमी एंड आइसोगेमी और ओगेमी के कंडीशन के बारे में उसी पे ही थ्योरी पॉइंट गिवन है देखिए क्या है क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट द कंप्लीट इवोल्यूशन ऑफ द सेक्सोलिप्रोडक्शन क्यों क्योंकि ये ज्यादा वेरिएशन शो कर रहा है क्लेमाइडोमोनास की जो है स्पीसीज वाइज हमने अलग अलग मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया मतलब ये आइसो भी होते हैं एन आइसो भी होते हैं और ओ गेमी भी होते हैं इसीलिए यहाँ पे कह दिया है कि ये क्या एग्जिबिट करते हैं क्या परफॉर्म करते हैं ये कंप्लीट इवोल्यूशन को परफॉर्म करते हैं हर तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास परफॉर्म करेंगे अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट गिवेन है कि स्पेशली अगर हम क्लेमाइडोमोनास के डीबेरियम स्पीसीज की बात करते हैं तो इनके जो गैमिट हैं वो फ्लेज़िलेटेड हैं मोटाइल होते हैं और सिमिलर इन साइज होते हैं तो साइज अगर सिमिलर है मतलब मॉर्फोलॉजी इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे उससे आइसोगेमी ठीक है इसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया था क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी के जो गैमिट होते हैं वो मोटाइल फ्लेजिलेटेड तो होते हैं लेकिन इनका साइज इनकी मॉर्फोलॉजी इक्वल नहीं होती है तो आप क्या बोलेंगे आप कहेंगे एनाइसो गैमी उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंडीशन है कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास सो द आइसोगेमी बट अगर क्लेमाइडोमोनास के ज़्यादातर स्पीसीज की बात करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आता है आइसोगेमी और क्ले माइडोमोनास ही वो एलगी है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन को शो करता है जिसमें हर तरह के फॉर्म ऑफ सेक्सअल रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है इसीलिए आप कहेंगे इसमें कंप्लीट इवोल्यूशन होगा नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है हम अब आते हैं सीधे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी के बारे में यहाँ पे थ्री क्लास ऑफ एल्गी के बारे में डिस्कस करना है वो कौन कौन सा है देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन से पहले कुछ एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि आखिर ये क्लासिफाई हम किस बेसिस पे कर रहे हैं एल को फर्दर तो देखिए इनमें जो बेस होता है उसमें मोस्टली हम एज्यूम करते हैं उनमें पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे हम एल्गी को कुछ एक क्लास में डिवाइड कर देते हैं मेनली बट केवल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को ही एज ए क्राइटेरिया नहीं लिया जा सकता यहाँ पे हम सेल वॉल की बात भी करते हैं यहाँ पर उनमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है उसकी भी बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या गिवेन है कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी मेनली बेस्ड ऑन द फोटो पिगमेंट कि अलग अलग एलगी में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है इस बेसिस पे भी एल्गी को फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है लेकिन फोटो सिंथेटिक पिगमेंट के अलावा भी जो बेस लिया जाता है उसे हम कहते हैं सेलवॉल का कंपोजिशन क्या है सेलवॉल किस से बने होते हैं साथ साथ उनमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है हमें ये भी डिस्कस करना होगा इन सभी बेसिस पे इन सभी क्राइटेरिया पे एल्गी को यहाँ पर कितने क्लास में हम कर सकते हैं डिवाइड तो आप कहेंगे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री क्लास में कौन कौन से होते हैं तो एक होता है यहाँ पे क्लोरोफाइसी एक है यहाँ पे फियोफाइसी और एक लास्ट है यहाँ पे रोडोफाइसी ये यहाँ पर जो है थ्री क्लास हम कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्लोरो क्लोरो टर्म का मीनिंग ऑलवेज वैसे भी ग्रीन कलर से होता है इसलिए यहाँ पे क्लोरोफाइसी क्लास में हम किस एलगी की बात करेंगे ग्रीन एलगी की बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूफाइसी दिया हुआ है फ्यूफाइसी में जो एलगी आते हैं वो ब्राउन एल्गी कहलाते हैं और जो रोडोफाइसी में एल्गी आते हैं वो यहाँ पे रेड एल्गी कहलाते हैं तो ये थ्री क्लास बताया और उनके क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सा हमने क्राइटेरिया यूज़ में लिया था वो डिस्कस किया अब इन तीनों क्लास को हमें अलग अलग एस्पेक्ट में सेपरेटली और इंडिविजुअल डिस्कस करना है पहले हम क्लोरोफाइसी फियोफाइसी और रोडोफाइसी को डिस्कस किस बेस पर करेंगे कि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं सेल वॉल किससे बना है इनका जो हैबिटेट है वो कैसे किस हैबिटेट में पाए जाते हैं उनमें जो फूड का स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है ये सभी बात हम अब करने वाले हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास क्या है फर्स्ट क्लास है एलगी का उसे हम कहते हैं क्लोरोफाइसी क्या बोल देते हैं क्लोरोफाइसी तो इसमें आने वाले जो यहाँ पे एलगी है इसे हम क्या कहते हैं ग्रीन एलगी और जो ग्रीन एलगी है वो सबसे ज़्यादा एडवांस कंसीडर किए जाते हैं तो मोस्ट एडवांस जो एलगी है उसे हम यहाँ पे ग्रीन एलगी बोल देते हैं फर्स्ट पॉइंट इसके हैबिटेट के बारे में है हैबिटेट जो है इसमें दिया हुआ है कॉस्मोपोलिटन नेचर हर जगह पाए जाते हैं हर हैबिटेट में जो ग्रीन एलगी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसी नेचर को समझाने के लिए कह दिया है कॉस्ट

पेक्टोज या पैक्टीन से बना होता है ठीक है ना तो यहां पे सेलोज से बना हुआ सेलवॉल का लेयर है वो इनर लेयर है आउटर लेयर जो है सेलवॉल का वो किससे बना है पेक्टोज से बना है तो ये सेलवॉल की बात कर लिया हमने अब हम यहां पे बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एलगी ग्रीन एलगी के भी अलग अलग फॉर्म होते हैं हो सकता है कि ये यूनिसेलर हो, हो सकता है कि ये कॉलोनी बनाते हो, हो सकता है कि ये यहाँ पे कॉलोनी के साथ साथ कुछ एक फिलाेंटस ग्रीन एलगी भी होते हैं तो हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों देखिए यहां पर ग्रीन एलगी का जो फर्स्ट फॉर्म है इसमें हम ऐसे ग्रीन एलगी की बात कर रहे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं कैसे होते हैं यूनिसेलुलर अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें और क्लोरेला की बात करें क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला ऐसे एल्गी हैं जिसे ग्रीन एलगी कंसिडर करते हैं बट इसका फॉर्म क्या है तो हम कह रहे हैं इसकी बॉडी केवल एक सिंगल सेल से बनी है इसीलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं देखिए यहां पे एक नोट पॉइंट

देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे ये जो एल्गी है उनके लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो वो सिमिलरिटीज शो करते हैं यहाँ पे जिस किंगडम के साथ वो क्या है यहाँ पे प्लांटी होता है तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग uh, में एज्यूम किया गया था कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उसको डिस्क्राइब किया जाना चाहिए प्रोटिस्टा में बट उनकी जो लाइफ साइकिल है वो एलगी से सिमिलरिटीज को शो कर रही थी इसीलिए इसको यहाँ पे इंडिविजुअल हम जिस किंगडम में स्टडी करते हैं वो होता है प्लांटी किंगडम प्लांट किंगडम ठीक है ना तो ये नोट पॉइंट गिवन था तो यूनिसेलर में अगर एग्जाम्पल आ जाए तो आपका आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला अब देखिए पे एक मोटाइल एल्गी है उसका है उसका डायग्राम प्रोवाइडेड इसके डायग्राम में आई स्पोर्ट इस तरह के स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो आई जैसे दिखाई देते हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसमें फ्लेजिला इस तरह से प्रेजेंट है तभी तो हम इसको मोटाइल बोल रहे हैं यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है बट यहाँ पे वो पॉइंट जो बिल्कुल अलग दिख रहा है आपको ये टर्म को समझना है कि आखिर इसके डायग्राम में ये पायरीनोइड क्या होता है पायरेनोइड को समझना है तो ये जो पायरेनोइड है वो कुछ एक प्रोटीन के ही पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ना मैंने कहा सपोज़ ये पायरिनोइड क्या है तो मैंने कहा ये पायरेनोइड प्रोटीन के पार्टिकल्स ही होते हैं जिसके बाहर इस तरह से स्टार्च क्या होता है स्टोर हो जाता है तो मैंने कहा ये प्रोटीन को हमने इसका कोर डिसाइड कर दिया वो मेन है सेंटर में प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ इस तरह से हमने किसको बता दिया है यहाँ पे स्टार्च होता है ये यह यहाँ पे क्या है स्टार्च है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को यहां पर हम क्या कह देते हैं पायरिनोइड बोल देते हैं तो क्ले जो कि मोटाइल एल्गी कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर एक देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर है पायरिनोइड तो पायरिनोइड क्या है प्रोटीन का पार्टिकल जिसके सराउंडिंग में यहाँ पे स्टार्च क्या होता है डिपोजिट होता है ठीक है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में भी हम डिस्कस कर लेंगे तो देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ग्रीन एलगी क्या है यूनि को डिस्कस करने के बाद यहां पे गिवन है कॉलोनी जो कॉलोनी को फॉर्म करते हैं जो इन नेचर होते हैं जैसे देखिए यहां पर एक मोटाइल कॉलोनी बताया गया है वॉलवॉक्स का ठीक है ना ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वॉलवॉक्स का है लेकिन ये वॉलवॉक्स जो है अब ये कॉलोनी में रहते हैं कॉलोनी फॉर्म कर सकते हैं कैसे देखिए यहाँ पे एक कॉलोनी को हमने कह दिया ये जो कॉलोनी आपको दिख रहा है इसे हमने कह दिया ये इसका पेरेंट कॉलोनी है बट अगर यहाँ पे इस वाले कॉलोनी की बात करें तो ये यहाँ पर क्या है हमने कहा ये इसकी डॉटर कॉलोनी है तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एल्गी जो कि कॉलोनी को फॉर्म करते हैं वो है यहाँ पे वॉलवॉक्स ठीक है ना नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ऐसे एल्गी को कंसिडर कर रहे हैं जो मल्टी सेलुलर है एंड फिलामेंटस भी होता है तो मल्टी सेलोर और फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप कहेंगे इसमें आने वाले एल्गी हैं इलोथ्रिक्स इसमें आने वाले एल्गी जो हैं वो स्पाइरो हैं जो मल्टी सेलोर भी है और कैसे हैं फिलामेंटस भी हैं डायग्राम प्रोवाइडेड है डायग्राम में क्या दिया हुआ है इलोथ्रिक्स के बारे में दिया हुआ है नीचे वाला जो पार्ट आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है ऐसे हम कह रहे हैं होल्ड फास्ट होल्ड फास्ट जो है वो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये जो योथ्रिक्स एल्गी है वो सब स्टेटम अर्थ के सरफेस से अटैच होते हैं उस वाले पार्ट को बॉटम वाले पार्ट को होल्ड फास्ट बोल दिया है तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्म कौन सा है ग्रीन एल्गी का नेक्स्ट फॉर्म है यहाँ पे मल्टी सेलोलर थैलॉइड क्या है मल्टी सेलुलर थैलॉइड कुछ एक ऐसे एल्गी जो कि थैलस को फॉर्मेशन कर रहे हैं और मल्टी सेलोर है यहाँ पे था फिलामेंटस यहाँ दिया हुआ है थैलोइड तो देखिए इसे हम क्या कहते हैं तो यहाँ पे एक एलगी है इसे हम कहते हैं अलवा तो अलवा जो है इस कैटेगरी में आते हैं तो ये डायग्राम आपको प्रोवाइडेड है जिसके बेसिस पे आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट रूट है स्टेम है और कौन सा पार्ट लीफ है है ना हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं तो ये लाइक बॉडी -like बनाते हैं ठीक है थीके? तो ये हमने सारे जो है क्लोरोफाइसी में आने वाले ग्रीन एलगी के हमने डिफरेंट और वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म के बारे में डिस्कस किया ठीक है ना देखिए सेल वॉल के बारे में हमने बात कर ली है इनर सेल वॉल किससे बना है आउटर सेल वॉल किससे बना है अब जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन एलगी में टॉपिक है वो क्या है अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है अगर स्पेशली क्लोरोफाइसी ग्रीन एलगी की बात करते हैं तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा किस में प्रेजेंट ऑब्वियसली बात है ये किस में प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा अब देखिए अगर हम यहाँ पे मेन फोटोसिंथेटिक ठीक है ना अगर पिगमेंट में भी हम यहाँ पे मेन फोटोसिथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो इसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी यहाँ पर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कंसिडर किए जाते हैं जबकि अगर हम इन दोनों पिगमेंट की बात करते हैं तो इसे हम यहाँ पे क्या बोल देंगे बच्चों इसे हम कह देंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ठीक है ना एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह देंगे ठीक है तो देखिए एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ग्रीन एलगी में कौन कौन सा होता है कैरोटीन बीटा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और जैंथोफिल प्रेजेंट होता है जैंथोफिल जैंथोफिल भी एसेसरी पिगमेंट ही होते हैं अब देखिए इसमें भी यहाँ पे टू टाइप्स में आ, के जैंथोफिल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि ग्रीन एलगी में जो जैंथोफिल हैं वो कौन कौन से होते हैं इसे हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं ल्यूटीजेंथीन और एक यहाँ पे होता है वायलोजेंथीन तो वायलोजेंथीन और ल्यूटीजेंथीन इसमें आने वाले जेंथोफिल हैं जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसके अलावा बीटा कैरोटीन भी है बट मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है जिसमें क्लोरोफिल ए को यहाँ पे यूनिवर्सल पिगमेंट कंसिडर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है अगर हम इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कस कर लेने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये देखें कि इनमें फूड का जो स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है तो फूड का जो स्टोरेज होता है बच्चों आप कहेंगे ये स्टार्च के फॉर्म में होता है या फिर आप कहें कि ये ऑयल ड्रॉपलेट ये जो ऑयल्स होते हैं उनके ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है ये स्टार्च के फॉर्म में ये अपने फूड को रिजर्व करते हैं स्टोर करते हैं ठीक है थीके? इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब सीधे मूव करते हैं इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है कौन कौन से मेथड्स होते हैं तो देखिए अगर हम इस पे स्पेशली अगर क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं ग्रीन एलगी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम फर्स्ट कैटेगरी मेथड डिस्कस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का दैट इज अबाउट द ए सेक्सुअल रिपोडक्शन ए सेक्सुअल रिपोडक्शन ग्रीन एलगी में जिस स्ट्रक्चर से होता है उसे हम यहां पर जूसपोर बोलेंगे बट ये तब होगा जब कंडीशन इनके अकॉर्डिंग होगा फेवरेबल होगा इसके बारे में अभी भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था इसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है एप्लेनोस्पोर भी हो सकता है हिप्नोस्पोर भी हो सकता है एक काइन जैसे स्ट्रक्चर भी हो सकता है बट इन सभी स्ट्रक्चर को तब यूज में लेंगे जब कंडीशन इनके लिए फेवरेबल ना हो इनके अकॉर्डिंग ना हो अनफेवरेबल होता है नेक्स्ट यहाँ मेथड दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ ग्रीन एलगी किस तरह के और किस टाइप के होते हैं तो आप कहते हैं कि ग्रीन एलगी जो है वो मोस्ट एडवांस कंसिडर किया था हमने इसीलिए यहाँ पर सभी तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हमें देखने को मिलते हैं मतलब इसमें पार्टिसिपेट लेने वाले जो गैमिट होंगे वो सभी तरह से यहाँ पे हमें वेरिएशन शो करता हुआ दिखाई देता है ये आइसो भी हो सकते हैं ये एन आइसो भी हो सकते हैं साथ साथ ये ऊ गेम या फिर ऊ भी हमेशा मेंशन कर सकते हैं इसीलिए ग्रीन एलगी को मोस्ट एडवांस करेक्टर रखने वाला एलगी कंसिडर किया जाता है अब देखिए सेक्सुअल पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ लिया अभी मैंने आपको क्लेमाइडोमोनास स्ट्रक्चर में एक जो है टर्म के बारे में एक वर्ड के बारे में बताया था कि ये पायरीनोइड्स क्या होते हैं तो देखिए हम ये पायरिनोइड्स की बात करने वाले हैं कि पायरिनोइड्स को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या गिवन है फर्स्ट पॉइंट गिवन है कि वन और मोर पायरिनोइड आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट एज स्टोरीज बॉडी यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भी अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले जो पायरेनोइड है वो वन भी हो सकते हैं मोर देन वन भी हो सकते हैं और स्टोरेज बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बट यहाँ पे ये यह होते क्या है तो आप कह रहे हैं पायरनोइड कंटेन द प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च देखिए मैंने कहा सपोज ये यह कोई यहाँ पे ग्रीन एलगी है और ग्रीन एलगी के क्लोरोप्लास्ट को इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है पारिनोइड प्रेजेंट है तो देखिए बीच में यहां पर जो मेन होता है कोर वाला पार्ट होता है वो किसका होता है प्रोटीन का जो कि येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है इसके सराउंडिंग में यहाँ पे जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहे हैं ये किसका पार्टीशन है ये इसके सराउंडिंग में पाया जाने वाला स्टार्च वाला पार्ट है ठीक है तो ये प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च कंसिडर किए जाते हैं मेन बॉडी कोर बॉडी जो है वो प्रोटीन से बने हैं उसके सराउंडिंग में यहाँ पे स्टार्च भी प्रेजेंट होता है ठीक है ना और ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं किसके फॉर्म में तो ये स्टोरीज बॉडी के फॉर्म में यहाँ पर क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे एक नोट पॉइंट दिया हुआ है नोट पॉइंट में देखिए क्या मेंशन किया हुआ है नोट पॉइंट में दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट पिगमेंट के बेसिस पर क्लोरोफिल ए है इसमें क्लोरोफिल बी है कैरेटोनोइड हैं, और स्टोर्ड फूड है स्टार्च या फिर ऑयल ड्रॉपलेट्स और साथ साथ हम कह रहे हैं इनका सेल वॉल जो है वो सेल्लोज से बना है और पैक्टोज या पैक्टीन से बना है ये सभी तरह के जो करेक्टर हैं वो ग्रीन एलगी में हैं इसीलिए ये जो ग्रीन एलगी हैं इन सभी करेक्टर्स के बेसिस पे सिमिलेरिटीज शो करते हैं हायर प्लांट के साथ इसीलिए ग्रीन एलगी को सभी क्लासेस में यहाँ पे मोस्ट एडवांस कंसिडर किया जाता है क्योंकि इन सभी करेक्टर को हम जो है सेम uh, कॉमन पाते हैं इसको हम कंपेयर कर सकते हैं रिलेट कर सकते हैं हायर प्लांट के कैरेक्टर के साथ तो ये सभी कैरेक्टर जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं एग्जैक्टली सिमिलर फॉर इन केस ऑफ हायर प्लांट हायर प्लांट की तरह ही इनमें सिमिलर कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं देखिए इन सभी पॉइंट को डिस्कस कर लेने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लास पे फर्स्ट हमने देखा क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के बारे में अब हम ब्राउन एल्गी फियोफाइसी के बारे में डिस्कस करते हैं देखिए अगर फ्योफाइसी की बात करें तो आप क्या कहेंगे इसमें आने वाले जो भी स्पीसीज होते हैं जो भी एल्गी होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम कहेंगे ब्राउन एल्गी बट ब्राउन एलगी को ही यहाँ पर टू मोर टर्म प्रोवाइड किया जाता है दो और टर्म प्रोवाइड करते हैं इसको यहाँ पे सी बोल देंगे या फिर कह देंगे कैल्प यहाँ पे कैल्प क्यों कहते हैं इसको कैल्प जो है इनका जो साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्जर साइज के होते हैं लार्जेस्ट साइज के होते हैं ठीक है ना तो लार्जेस्ट साइज की वजह से लार्जेस्ट साइज की वजह से इसको यहाँ पर कैल्प बोल दिया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो फियोफाइसी क्लास है इसमें आने वाले एल्गी को ब्राउन एल्गी सीवीड और कैल्प कहते हैं कैल्प टर्म का मीनिंग क्या होता है इनका लार्जर साइज इनका साइज ऑल ओवर बहुत ज़्यादा होता है तो देखिए यहाँ पे हैबिटेट से स्टार्ट करते हैं हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग ये कहाँ रहते हैं तो जो ब्राउन एल्गी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं तो ये मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं में प्रेजेंट होते हैं स्पेशली ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं मिराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आप ये कहेंगे कि जो ब्राउन एलगी हैं, वो कैसे होते हैं मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होते हैं है ना और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अभी मैंने आपको कहा था कि ये लार्जेस्ट साइज के हो सकते हैं तो ब्राउन एल्गी आर लार्जेस्ट इन साइज इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं ल्प बोल देते हैं कितना साइज हो सकता है तो उसको हम लेंथ से मेजर कर सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट प्रोवाइडेड है कि इसकी जो ऑल ओवर लेंथ है वो हंड्रेड मीटर तक हम कंसिडर कर सकते हैं दैट्स ये लार्जेस्ट इन साइज कंसिडर किए जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट लार्जेस्ट ब्राउन एलगी यहाँ से क्वेश्चन आता है वो कौन सा ब्राउन एलगी है जिसका जो साइज है वो ऑल ओवर सबसे ज्यादा है तो लार्जेस्ट ब्राउन एलगी यहाँ पर कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल में मैक्रोसिस्टिस मैक्रोसिस्टिस जो है वो लार्जेस्ट ब्राउन एलगी है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने देखा स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट हम फियोफाइसी में क्या डिस्कस करने वाले हैं देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट गिवन है कि अगर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडीज यूजुअली अटैच टू द सबस्टेटम होल्ड फास्ट अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक जो है टर्म को जो है राउंड किया था उसको मैंने कहा था कि होल्ड पास जो है वो बॉटम वाला पार्ट होता है एलगी का जिसके थ्रू वो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं मतलब अर्थ सरफेस से वो क्या होते हैं अटैच होते हैं होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर के थ्रू ठीक है तो प्लांट बॉडी इज यूजअली अटैच विद द सबस्ट्रेटम सब स्ट्रेटम से बेस से अटैच होते हैं जिस स्ट्रक्चर के थ्रू उसे हम यहाँ पर होल्ड फास्ट बोल देते हैं ठीक है ना उसके बाद देखिए होल्ड फास्ट के अलावा भी इसके प्लांट बॉडी में एक

इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लेमिनेरिया अगर ब्राउन एल्गी है फियोफाइसी में कंसीडर करते हैं तो इसमें कौन कौन से प्लांट बॉडी के पार्ट्स को हमें पढ़ना होता है तो फर्स्ट पार्ट देखिए जो बॉटम में प्रेजेंट है ये यहाँ पे होल्ड फास्ट कहला रहा है होल्ड फास्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसी से ये सब के साथ जुड़े हुए होते हैं नेक्स्ट पार्ट को हमने कह दिया स्टाइप या फिर इसी को हम कहते हैं स्टॉक मिडिल पार्ट होता है बट वो पार्ट जिसे हम लीफ लाइक कंसिडर करते हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक पार्ट जो होता है उसको हम फ्रॉन्ट बोल देते हैं तो ये जो पूरा लीफ लाइक पार्ट है इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं फ्रॉन्ट बोलते हैं फ्रॉन्ड को ही एक टर्म और कहते हैं इसी को हम यहाँ पे लेमिना बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं लेमिना बोल सकते हैं तो लेमिनेरिया का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है यहाँ पे दो डायग्राम और भी गिवन है एक डायग्राम है यहाँ पे फ्यूकस के बारे में और एक और ब्राउन एलगी जिसे हम कहते हैं डिक्टियोटा तो डिक्टियोटा फ्यूकस और लेमनेरिया का डायग्राम आपको दिखाई दिखाई दे रहा है बट अगर फ्यूकस के प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो इसमें यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है इसका जो फ्रॉन्ट वाला पार्ट है फ्रॉन्ट वाले पार्ट में टू स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे गिवन है एक तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है एयर ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर इसके फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक पार्ट में प्रेजेंट होता है फ्यूकस में और साथ साथ कहते हैं कि जो फ्रॉन्ड है उसके सेंटर में इसके बीच में इस तरह से यहाँ पे मिड रिप प्रेजेंट होते हैं जो फ्रॉन्ड वाले पार्ट को टू सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे मिड रिप प्रेजेंट होता है साथ साथ एयर ब्लेडर भी यहाँ पर क्या है प्रेजेंट होते हैं

नेक्स्ट पॉइंट हमें फीओफाइसी में क्या डिस्कस करना है अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर हम इसके सेलवॉल के कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसका जो सेलवॉल है वो किससे बना होता है तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलजिक सेल वॉल इसका जो सेलवॉल होता है वो सेलुलज से बना होता है इसीलिए इसके सेल वॉल को हम क्या कहेंगे सेलुलोजिक सेल वॉल कह देंगे जो यूजुअली कवर होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे हम कहते हैं कि वो जिलेटिनस कोटिंग या कवरिंग होता है उसे हम कह देते हैं देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कहा ये फ्योफाइसी का कोई भी एक मेम्बर है ब्राउन एल्गी है ठीक है तो ये वाला पार्ट देखिए अगर ये वाला पार्ट इसका सेलवॉल है ठीक है और सेलवॉल किससे बना है सेलोज से बना है तो इसका सेलवॉल जो है वो सेलोज से मिलकर बना हुआ है बट सेलवल के बाहर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है ठीक है ना ये जो कवरिंग सेल्वॉल के बाहर प्रेजेंट है इस कवरिंग को हम कह देते हैं क्या एल्जीन और ये एल्जी क्या होता है तो एल्जीन जो है वो सेलवॉल के बाहर पाया जाने वाला जिलेटेनियस कवरिंग या कोटिंग कंसिडर करते हैं ठीक है ना उसे हमने एल्जीन कह दिया तो एक पॉइंट यहाँ पे लर्न करना है कि सेल्लोज से बना हुआ सेलवॉल तो है लेकिन उस सेलवॉल के बाहर भी एल्जीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है

आ, बीच में पार्ट जो है इसे मैंने कहा ये प्रोटोप्लास्ट है और प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या है तो प्रोटोप्लास्ट में यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने में मेंशन किया हुआ है ये यह है यहाँ पे प्लास्टिड सेंटर में प्रोटोप्लास्ट के सेंटर में ये जो येलो कलर से मेंशन किया है ये यह है यहाँ पर वैक्यूल और साथ साथ प्रोटोप्लास्ट में वैक्यूल और प्लास्टिड के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर ठीक है तो इन सभी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया अब हम डिस्कस करते हैं ब्राउन एल्गी के कुछ एक एग्जांपल्स देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना होता है फ्यूकस डिक्टियोटा एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया ये सारे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं फ्यूकस डिक्टियोटा एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया लेमिनेरिया को लीफी एलगी भी कंसिडर करते हैं क्यों क्योंकि इसमें फ्रॉन्ट और लेमिना वाला पार्ट जो है वो क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल होता है नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या डिस्कस करना है फियोफाइसी में अगर हम पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं देखिए यहाँ पे जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है अब ये क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जबकि अगर हम किसकी बात करें अगर हम कैरोटीन की बात करें तो इसमें यहाँ पे बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है साथ साथ अगर हम जैनतोफिल की बात करें तो बीटा कैरोटीन और ये जो जैनतोफिल हैं वो किस तरह के पिगमेंट में आते हैं तो आपको पता है ये यहाँ पे मेन पिगमेंट तो है नहीं ये यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट होते हैं तो यहाँ पे जेंथोफिल में भी कौन सा जेंथोफिल होता है तो आप उसे कहते हैं फ्यूकोजेंथीन कौन सा होगा फ्यूकोजेंथिन टाइप का जेंथोफिल प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं मेन फोटोसेंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल क्लोरो भी यहाँ पे ब्राउन एलगी में ए और सी की बात करते हैं ठीक है ना तो देखिए यहाँ पे नोट पॉइंट प्रोवाइडेड है नोट पॉइंट क्या है नोट पॉइंट दिया अमाउंट ऑफ फ्यूको इज मोर इन द ब्राउन एलगी ड्यू टू विच दिग् आर द ब्राउन इन कलर ये कहा जाता है कि बेसिकली हम अगर फ्यूकोजेंथिन की बात करें तो ये किसी भी एल्गी में जो है ब्राउन कलर प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि यहां पे जेंथोफिल के फॉर्म में जिस पिगमेंट की बात करें वो फ्यूकोजेंथिन है तो ये एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड करते हैं इसीलिए इस तरह के एलगी को ब्राउन इन कलर कंसिडर करते हैं तो ये पाया जाने वाला जेंथोफिल फ्यूकोजेंथन

तो ये जो ब्राउन एलगी है उसमें फ्यूकोजेंथिन जो है वो लार्जर अमाउंट में है इसीलिए इसका कलर ब्राउन होता है नेक्स्ट पॉइंट अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कस करने के बाद अगर ये डिस्कस करें कि इनमें फूड का जो स्टोरीज होता है वो किस फॉर्म में होता है तो इनमें जो फूड जो है वो स्टोर होता है रिजर्व होता है किस फॉर्म में लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में और मैनीटॉल के फॉर्म में तो लेमिनेरियन और मैनीटॉल ये दो फॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ पर जो फियोफाइसी में आने वाले ब्राउन एल्गी है वो अपने फूड को रिजर्व करते हैं स्टोर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये मैनीटॉल और लेमिनेरियन की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो आप कहेंगे बहुत हार डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट्स के क्या होते हैं डेरिवेटिव होते हैं मतलब मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट के ही कौन कौन लेमिनेरियन और मैनीटॉल नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अबाउट फियोफाइसी यहां पे दिया हुआ है द बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज नज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ब्राउन एलगी में तो आप कहेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर से होगा उसे हम जू स्पोर कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस स्ट्रक्चर से होगा और किस टाइप का होता है तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ब्राउन एलगी में आइसो टाइप का हो सकता है एन आईसो हो सकता है ओ गेमस भी पॉसिबल है बट यहाँ पे अगर नोट पॉइंट की बात करें तो हम जानते हैं कि अगर जू की बात करें जू क्यों बोला क्योंकि ये मोटाइल नेचर के होते हैं ठीक है हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया है जूसपोर इट मीनस मोटाइल नेचर मोटिलिटी फ्लेजिला प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे फर्स्ट नोट पॉइंट क्या गिवेन है कि जू एंड द गैमिट आर पियर शेप्ड पायरी फॉर्म मतलब पियर शेप के होते हैं तो ये जो जूसपोरस हैं और जो गैमिट हैं इस केस में हम मान रहे हैं इसका शेप कैसा है पियर शेप है एंड हैव टू अन इक्वल लेटरली अटैच फ्लेजिला इसमें जो फ्लेजिला होते हैं वो लेटरल साइड में पाए जाते हैं और अगर हम लेंथ की बात करते हैं दोनों की लेंथ अलग अलग होती है एक फ्लेजिला की जो लेंथ है वो कम है और एक की क्या यहाँ पर ज्यादा है तो हैव टू अनिकल एंड लेटरली अटैच फ्लेजिला लेटरल साइड में फ्लिजिला मिलेंगे दोनों की लेंथ यहाँ पर क्या होगी अलग अलग होगी ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है

इसके बाद इसके बाद जो क्लास स्टार्ट हो रहा है एल का यह है अबाउट रोडोफाइसी जिसमें हम रेड एलगी के बारे में डिस्कस करते हैं पर मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर को हम यहीं एंड कर रहे हैं और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्पेशली स्टडी अबाउट विच क्लास ऑफ द एलगी वी विल डिस्कस अबाउट द रोडोफाइसी ऑफ आईसी इन विच विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट एंड एज वेल एज द हैबिटेट एंड ऑल द अदर रिस्पेक्ट यू शुड नो अबाउट द रेड एलगी वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास